हाय गाइस, आज यूट्यूब फैमिली के लिए एक टिप्स शेयर कर रहे हैं हम गोल्ड को क्लीन करने के लिए क्या किया जाए। दिवाली का सीज़न है, वेकेशन का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, तो चलिए हम बताते हैं। मैंने ये जेवर लिया है, इसे क्लीन करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्याले में पानी गर्म करने रख देना है। प्याला है, पतीली जो भी है, वो पानी गर्म होता है उसमें हाफ टी स्पून सोडा मिक्स कर देना है। सोडा डालने के बाद पानी जैसी बॉयल होने लगे, हल्का सी गर्म हो जाए, तो इसके अंदर सारे जेवर डालकर 5 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद क्या कर देखने लगोगे कि जेवरों का पूरा मैल गर्म पानी के अंदर आ गया है। सोडा का काम क्या है, सबसे ज़्यादा मैल को निकाल देना है ना। आप पानी का कलर देख सकते हैं, अभी तो सिर्फ गर्म पानी में हमने डाला है तो पानी का कलर इस तरीके से है। तो चलिए अभी सेकेंड स्टेप क्या है, एक प्लेट में हमें क्या करना है, लिक्विड डिश वॉशर का जो भी रहता है, लिक्विड डिश वॉश करने का वो लिक्विड लेना है, ब्रश की मदद से जेवरों पे लगाकर अच्छी तरीके से मलना है इसे। ये देख रहे हैं आप कैसे काला काला फेस निकलना चालू हो गया। सेकेंड स्टेप में ही हमारे जेवर एकदम क्लीन हो जाते हैं। पानी में डालते हैं, इसे वॉश करना है, फिर एक दो बार थोड़ा सी ब्रश चला देना है ताकि जो बचा कुचा मैल निकल जाए। बहुत इजी और आसान तरीका है जेवर को घर पे ही क्लीन करने, ना मार्केट जाने की ज़रूरत, ना पैसे खर्च करने की, बस थोड़ी सी मेहनत है 2-3 मिनट की और हमारा जेवर एकदम क्लीन। ये अंगूठी भी देखा था आपने कितनी मैली थी। काम करते हैं हम, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाना है, सब मैल जाकर हमारे जेवरों में चिपक जाता है। तो उसे आसान तरीके से क्लीन करना है और पहनकर चले जाना है। ये देख रहे हैं आप पानी कितना मैला होते जा रहा है। अच्छी तरीके से बस ब्रश की मदद से, ये जो लिक्विड है सबसे ज़्यादा शाइनिंग इसी की वजह से आती है जेवरों पे। देखो कितना माशाल्लाह से चमक रहा है। इस तरीके से आप जेवरों को अपने वॉश करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले जेवर की शक्ल कैसी थी, अब आपके सामने ही मैंने क्लीन किया है। ये देखिए माशाल्लाह से एकदम क्लीन हो गई है। दिवाली हो, चाहे किसी के घर दावत पे जाना है या शादी ब्याह में, इस तरीके से आप अपने जेवर को क्लीन करें और पहनकर एंजॉय करें, ठीक है। और मेरे चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।